Welcome friends, chapter number 4. The name of the chapter is Economics of Ideas. Trust me, a very, very interesting chapter. What is technology? Well guys, in order to understand technology, we need to first recall the definition of production function, which we've been doing for so many years, from school level, if I can say so. So what is production function? Well guys, production function is a technological relationship between input and output. So what is technology then? Technology is anything which, you know, converts that input into an output. Let's see. Technology is the way inputs to the production process are transformed into output. For example, if we have a general production function, y is a function of KL, then the technology of production is given by a function f dot. This production function explains how inputs are transformed into output. Well, in the Cobb-Douglas production function, jo ki aapko pata hai, bahut type ke production functions hote hain. Cobb-Douglas is a famous one. So y is equal to k raised to the power alpha AL, 1 minus alpha, where A is the index of technology. तो सवाल उठता है, सर चैप्टर का नाम तो इकोनॉमिक्स ऑफ आइडियाज़ है, देन वाई वी आर हैविंग अ लुक एट टेक्नोलॉजी? क्योंकि मेरे बच्चों, आपके जो आइडियाज़ हैं ना, वो टेक्नोलॉजी से बहुत हद तक रिलेटेड हैं या बहुत हद तक उसको हेल्प करते हैं. कैसे? लेट्स सी. आइडियाज़ इम्प्रूव द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन. अ न्यू आइडिया अलाउज अ गिवन मंडल ऑफ इनपुट्स टू प्रोड्यूस मोर और बेटर आउटपुट. एक एग्जाम्पल दूँ. अब मालूम नहीं तुम लोग तो नई जनरेशन के हो, आई डोंट नो तुम्हें आता है कि नहीं आता, या तुमने एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया. शुगर केन का जूस होता है, गन्ने का रस, पिया है कभी? पिया है बेटा. आपने देखा होगा, पहले तो आते थे, पता नहीं आजकल आते नहीं आते लोग, वो लकड़ के, वो रिक्शा पर आते थे, लकड़ी की मशीन होती थी, वो गन्ना उसमें डालते थे और मैनुअली उसको वो निकालते थे. और फिर दुकानों में आपने देखा है, वो घड़घड़ करके बड़ी बड़ी सी मशीन होती है, उसमें गन्ना डालते हैं और जूस आता है. तो दोनों में गन्ने का जूस आता है. बट डोंट यू थिंक ये जो आइडिया है कि एक बड़ी सी मशीन लगा ली जाए, बिजली से उसको यूज़ कर लिया जाए, तो वो आपको, यू नो, कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट देगा? सो इन दैट सेंस वी कैन से दैट आइडियाज़ जो हैं वो आपके आउटपुट के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करते हैं. अब यहाँ पर जो बुक का एग्जाम्पल है वो देखिए. अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एन आइडिया वॉज प्रोवाइडेड बाई पॉल रोमर इन 1990. वेल, निथरल्स यूज आयरन ऑक्साइड एज अ पिगमेंट टू क्रिएट ड्रॉइंग्स ऑन दी वॉल्स ऑफ केव्स. तो हमारे जो पुराने पूर्वज थे, कुछ वो क्या करते थे, वो आयरन ऑक्साइड को एज अ पिगमेंट यूज़ करते थे ड्रॉइंग्स बनाने के लिए केव्स में. पर बेटा, नाउ वी पेंट आयरन ऑक्साइड ऑन टू मैग्नेटिक टेप टू प्रोड्यूस VCR रिकॉर्डिंग्स. आप लोग पेन ड्राइव की जनरेशन हो, शायद VCR का आपको आइडिया नहीं होगा. 1990s के अंदर VCR चला करते थे बच्चे, जिसके अंदर एक टेप होती थी, वो टेप को ही यहाँ पर बोला गया है मैग्नेटिक टेप. तो आप देखिए, वही आयरन और आयरन ऑक्साइड जो सिर्फ पेंटिंग में यूज़ हो रहा था, आज वही टेप में यूज़ हो रहा है, और ऑब्वियसली वही इनपुट आपको बेहतर आउटपुट दे रहा है. So the idea behind the VCR allows us to use a given bundle of inputs to produce output that generates a higher level of utility. So आपके idea आपकी technology को और improve कर देते हैं, in a way आपके output को और बेहतर कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. Ideas are by no means limited to fields of engineering. However, Sam Walton's creation of Walmart approach to retailing is no less an idea. आप सिर्फ ये मत सोचो कि आइडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी के लिए होता है. मेरे बच्चों, आपका आइडिया मैनेजमेंट में अगर कुछ आप ब्रेक थ्रू लाते हो, तो वो भी आइडिया माना जाएगा. जैसे वॉलमार्ट, आपको पता होगा विदेशों में बहुत सारे देशों के अंदर वॉलमार्ट चलता है. इट्स लाइक अ रिटेल स्टोर, अ बिग मॉल जहाँ पर आप सस्ते गुड्स खरीद सकते हैं. Multiplex theater, diet soft drinks are innovation that allowed firms to combine inputs in new ways that consumers, according to reveal preference, have found very valuable. तो मेरा बच्चा, आइडिया आपकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं, और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने से आपका आउटपुट बेहतर होता है. अब बेहतर यहाँ पर दो तरीके से है. आइदर आप ज़्यादा आउटपुट बना पाएंगे, और आप बेहतर आउटपुट बना पाएंगे. तो आइदर यू विल बी इम्प्रूविंग क्वांटिटेटिवली, और यू विल बी इम्प्रूविंग क्वालिटेटिवली. सो अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के आइडियाज़ की. ट्रस्ट मी गाइस, आप अगर इसको अच्छे से सीखेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा 200-250 साल में पीछे ऐसा क्या हुआ है जिससे हमारे प्लसेस भी आए और जिससे माइनसेस भी आए. तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा. इकोनॉमिक्स ऑफ आइडियाज़. Beginning in the mid-1980s, Paul Romer formalized the relationship between the economics of ideas and economic growth. This relationship can be thought of in the following way. आइडियाज नॉन राइवल होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न शो करते हैं, और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पाए जाते हैं. बच्चा कहता है, सर ये टर्म्स क्या हैं, आप बताओगे? बिल्कुल बताएंगे जी, आपको प्रूफ करके दिखाएंगे सर. सो अकॉर्डिंग टू रोमर,
वन इनहेरेंट फीचर ऑफ आइडिया इज दैट दे आर नॉन राइवलरस. सर नॉन राइवलरस क्या होते हैं सर, बताता हूँ. माइक्रो में भी यूज होगा इसलिए ध्यान से सुनना. मेरे बच्चों, मेरे पास एक एप्पल है, ठीक है, मेरा है, वो राइवल गुड होगा. बच्चा कहते हैं मतलब है अगर मैंने वो खा लिया तो वो आपके लिए नहीं बचेगा. डॉक्टर की सर्विसेज, डॉक्टर का एक यू नो क्लाइंट के साथ, एक पेशेंट के साथ आधे घंटे का मीटिंग है, तो वो राइवल है इन अ सेंस कि जब वो आधे घंटे में वो उस पेशेंट के लिए टाइम है, वो आधा घंटा आपको नहीं मिल सकता. तो बच्चा कहता है ऐसा तो सारे गुड राइवल हैं. नो, नॉन राइवल भी होते हैं. बच्चा कहता है क्या? अब एक बार बताओ, आपके गली में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, हाँ लगी हुई है, आप थोड़ी देर खड़े हो गए, आपके साथ कोई और भी खड़ा हो गया, तो आपके खड़े होने से वो लाइट दूसरे के लिए कम थोड़ी ना हो रही है. ये नॉन राइवल है कि एक के यूज़ करने से दूसरे के लिए ख़त्म ना हो. रोड है, आप गाड़ी लेके निकल गए तो ये थोड़ा रोड भी साथ में लेके निकल गए आप, दूसरे के लिए बचा हुआ है वो रोड अभी भी. नेशनल डिफेंस, वो भी इन अ वे नॉन राइवल है सबके लिए, एक के करने के लिए दूसरे के लिए ख़त्म नहीं हो रहा वो, इन अ वे. सो नॉन राइवल का मतलब है बेटा, एक के यूज़ होने से आप दूसरे के लिए ख़त्म ना हो रही हो चीज़. अब आप सपोज नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हो, वो नॉन राइवल है, आपके मूवी देखने से दूसरे के लिए कम थोड़ी ना हो रही है मूवी. समझ गए बात? चले, मगर आइडिया नॉन राइवल है. कैसे? मेरा एक आइडिया है, आप कॉपी कर लो अगर और आप उसको फॉलो कर लो, तो आप बताइए आपके वो आइडिया कॉपी करने से या मेरे आइडिया को यूज़ करने से वो मेरे लिए कम थोड़ी ना हो रहा है. इसलिए नॉन राइवल है बच्चे. सो अकॉर्डिंग टू रोमर, वन इनहेरेंट फीचर ऑफ आइडिया इज दैट दे आर नॉन राइवल. ये वाला पॉइंट, दिस नॉन राइवलरी इंप्लाइज दैट द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. उसके लिए कैसे मैं प्रूव करके दिखाऊंगा. एंड टू मॉडल दीज इंक्रीजिंग रिटर्न्स इन अ कंपेटिटिव एनवायरनमेंट विद इंटेंशनल रिसर्च नेसेसरली रिक्वायर्स इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. तो मैं आपको ये प्रूव करूंगा ये पूरी लाइन. ईच ऑफ दीज टर्म्स एंड द लिंक्स बिटवीन दैम विल नाउ बी डिस्कस इन डिटेल. सो A crucial observation by Romer, 1990, in that ideas are very different from most other economic goods. Most goods such as CD player or lawyer service are rivalries. That is, my use of a CD player excludes your use of the same CD player. Most economic goods share this property. The use of the good by one person precludes its use by another. जो मैंने भी apple खाने का भी example दिया. In contrast, ideas are non-rival. The fact that Toyota take advantage of just-in-time inventory method does not preclude GM from taking advantage of the same technique. अब बेटा just-in-time इन्वेंट्री टेक्निक ना कॉस्ट अकाउंटिंग में सिखाई जाती है, कॉस्ट मैनेजमेंट में, या कल को आप यू नो बिजनेस इकोनॉमिक्स करेंगे तो वहाँ सिखाया जाता है. मेरे बेटे, अगर टोयोटा वो टेक्निक यूज़ कर रहा है तो जनरल मोटर भी तो यूज़ कर सकता है. ये थोड़ा ना टोयोटा यूज़ कर रहा है तो जनरल मोटर के लिए खत्म हो गई वो टेक्निक या कम हो गई. नो. So, once an idea has been created, anyone with knowledge of the idea can take advantage. Consider the design for the next generation computer chip. Once the design itself has been created, factories throughout the country and even the world can use the design simultaneously to produce computer chips, provided they have plans. So the paper, the plans are written on it is rival. An engineer whose skills are needed to understand the plan is again rival. But the instruction written on the paper, the idea is not. वो इंजीनियर जो है वो राइवल है. उसकी सर्विस अगर किसी को जा रही है तो आपको नहीं मिल सकती उस टाइम, लेकिन वो आइडिया अगर आपको पता लगे, इंस्ट्रक्शंस पता लगे कि कैसे उसको फॉलो करना है, वो नॉन राइवल है. आपके यूज़ करने से वो मेन क्रिएटर के लिए कम या ख़त्म नहीं हो रही मेरे बच्चों. So this last observation suggests another important characteristics of ideas, one that ideas share with most economic goods, that they are least partially excludable. मेरे बच्चों, अब एक्सक्लूडेबिलिटी नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी आराम से समझना, ये भी माइक्रो में यूज़ होगा. एक बार बताओ, वही एप्पल पे आते हैं, मैं एप्पल खा रहा था, आपने कहा प्लीज़ एप्पल दे दो, मैंने कहा मैं नहीं देता मेरा एप्पल है, तो मैं आपको एक्सक्लूड कर सकता हूँ ना फ्रॉम पार्टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दैट एप्पल? यस सर, आपका है, बढ़िया. लेकिन अगर मैं वही स्ट्रीट लाइट का एग्जाम्पल दूँ तो मैं थोड़ा ना आपको एक्सक्लूड कर सकता हूँ, वो तो सबके लिए. नेशनल डिफेंस, मैं आपको थोड़ा ना एक्सक्लूड कर सकता हूँ उसमें से, वो तो सबके लिए. भाई स्ट्रीट लाइट है तो आप खड़े हो, मैंने कहा निकल यहाँ से, तू कैसे खड़ा है यहाँ पर, ऐसे कैसे कर सकते हो भाई, वो तो कॉमन गुड है. ठीक है, ऐसे को बोलते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल. सो द डिग्री टू विच अ गुड इज एक्सक्लूडेबल इज द डिग्री टू विच द ओनर ऑफ द गुड कैन चार्ज अ फी फॉर इट्स यूज. बिल्कुल. सपोज आपने कहा मैं अपनी गाड़ी ना आपकी पार्किंग में लगाऊंगा, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे लगाएगा, मेरी पार्किंग है, तो डोंट यू थिंक एक्सक्लूडेबल है? हाँ. अब अगर आपका गुड एक्सक्लूडेबल है या आपकी सर्विस एक्सक्लूडेबल है, तो एज एन ओनर आपको क्या फ़ायदा है? यू कैन चार्ज अ फी फॉर इट.
So the firm that invents the design for the next computer chip can presumably lock the plans in a safe and restrict access to the design at least for some period of time. Alternatively, copyright and patent system grant investors who receive copyrights or patent the right to charge the fee or the charge for the use of their ideas. अब आप बताओ, मैंने कोई नया डिज़ाइन लाया हूँ तो मैंने कॉपीराइट या पेटेंट करा लिया, 3 साल की पेटेंट लाइफ है, तो उस वक्त मेरे अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता. और इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट यू नीड टू पे मी. सो फॉलोइंग फिगर लिस्ट अ वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी एंड वेदर दे आर राइवल और नॉन राइवल. बोथ राइवल एंड नॉन राइवल गुड्स वेरी इन द डिग्री टू विच दे आर एक्सक्लूडेबल. सो गुड्स सच एज सीडी प्लेयर, फ्लॉपी डिस्क और द सर्विस ऑफ लॉयर आर हाईली एक्सक्लूडेबल. कैसे, मैं अभी प्रूव करता हूँ मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सीखेगा मेरे बच्चों. इकोनॉमिक एट्रीब्यूट्स ऑफ सिलेक्टेड गुड्स, तो ये राइवल ये नॉन राइवल, ये हाईली एक्सक्लूडेबल ये लो एक्सक्लूडेबल, आई एम सॉरी. लॉयर सर्विसेज राइवल है, कैसे भाई, एक यूज़ करेगा तो दूसरे के लिए नहीं बचेगा उस टाइम पर, एक्सक्लूडेबल है बिल्कुल. लॉयर कह सकते हो भाई पहले पैसे रखो तो मेरे साथ मीटिंग करो. नॉन राइवल. अब एनकोडेड सैटेलाइट टीवी ट्रांसमिशन, बेटा ये किताब बहुत पुरानी है, ये केबल टीवी के टाइम की किताब है. आप लोग आजकल नेटफ्लिक्स की जनरेशन है, तो आप बताइए नेटफ्लिक्स पे आप एक मूवी देख रहे हैं, नॉन राइवल है, आपके मूवी देखने से दूसरे के लिए कम थोड़े ना हो रही है. और एक्सक्लूडेबल है भैया, पैसे दोगे उसके तभी मिलेगा, वो फ्री नहीं मिल रहा आपको. अब आते हैं राइवल, फिश इन द सी. अगर मैं फिश कैच कर लूँ सी में तो वो फिश तो मेरी है ना, उतनी तो दूसरे के लिए कम हो गई. एक्सक्लूडेबिलिटी लो है क्योंकि समुंदर किसी के पिताजी का थोड़ा ना भाई, कोई भी जाके ले लेगा वहाँ से, मतलब पिक कर सकते हैं. नेशनल डिफेंस नॉन राइवल है, एक के यूज़ होने से दूसरे के लिए ख़त्म नहीं हो रहा और एक्सक्लूडेबल भी नहीं है. आप ये थोड़ा ना कह सकते हो कि सेना सिर्फ मेरी हेल्प करेगी, आर्मी सिर्फ मेरी हेल्प करेगी, मेरे को प्रोटेक्ट करेगी, इनको नहीं करेगी, वो तो सबको करेगी. सो गुड्स दैट सफर फ्रॉम ट्रेजेडी ऑफ कॉमन, से ट्रेजेडी ऑफ कॉमन में माइक्रो में सिखाऊंगा आपको. आर राइवल बट हैव अ लो डिग्री ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी. द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ सच गुड इज द ओवर ग्रेजिंग ऑफ कॉमन लैंड शेयर्ड बाई इंग्लिश पीजेंट ड्यूरिंग द मिडिल एजेस. द कॉस्ट ऑफ वन पीजेंट चूजिंग टू ग्रेज वन एडिशनल काउ ऑन द कॉमन्स इज शेयर्ड बाई ऑल ऑफ द पीजेंट बट द बेनिफिट इज कैप्चर्ड बाई वन पीजेंट ओनली. मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे, मेन माइक्रो में सिखाऊंगा एक्सप्लेनेशन. सपोज आप गाँव में रहते हो, वहाँ पे कॉमन लैंड है जहाँ पे सबकी गाय जो है वो ग्रेजिंग करती है. आपके मामा का लड़का आ गया अपनी 10 गाय लेके साथ में, तो आपने कहा कोई नहीं यार कॉमन लैंड है ग्रेस करा दे. आप बताइए आपके मामा के लड़के को तो फायदा हो गया, लेकिन वो कॉमन लैंड सबके लिए था जो 10 गाय ग्रेस करके चली गई. डोंट यू पीपल थिंक बाकियों के लिए तो कम बचा ग्रेजिंग के लिए सामान, ग्रेजिंग के लिए जो लैंड में जो भी इनपुट्स हैं. सो इन दैट सेंस ये एक्सक्लूडेबिलिटी लो है क्योंकि भाई कॉमन है, कोई भी आ जाएगा राइट. लेकिन राइवल जबरदस्त है क्योंकि वो 10 जो आपकी काउस थे, आपके मामा के बेटे की काउस थी, वो जो यूज कर गई वो दूसरों के लिए अब अवेलेबल नहीं है. सो आगे बढ़ते हैं बच्चों. आइडियाज आर नॉन राइवल बट दे वेरी सब्सटैंशियली इन देयर डिग्री ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी. लाइक एनकोडेड सैटेलाइट टीवी ट्रांसमिशन आर हाईली एक्सक्लूडेबल, वेयर एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज लेस एक्सक्लूडेबल. द डिजिटल सिग्नल्स ऑफ एन एनकोडेड सैटेलाइट ट्रांसमिशन आर स्क्रैम्बल्ड सो एज टू बी यूजफुल ओनली टू समवन विद अ डीकोडर. इन कॉन्ट्रास्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ऑफन अनस्क्रैम्बल्ड, एनीवन विद अ डिस्क ड्राइव कैन कॉपी सॉफ्टवेयर. सिमिलर कंसिडरेशंस अप्लाई टू द ऑपरेटिंग मैनुअल फॉर वॉलमार्ट विच कैन बी कॉपीड. सो नॉन राइवल गुड्स दैट आर एसेंशियली अनएक्सक्लूडेबल आर ऑफन कॉल्ड पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड का चैप्टर आएगा माइक्रो में पूरा. फॉर एग्जाम्पल नेशनल डिफेंस, सम आइडियाज आर बोथ नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल. फॉर एग्जाम्पल कैलकुलस. अब एक बार बताओ, इस टाइम जब आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो, डोंट यू थिंक कितने लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं कैलकुलस कर रहे होंगे, जो 12th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो कैलकुलस कर रहे होंगे, इको ऑनर्स का कोई बच्चा कैलकुलस कर रहा होगा, एम ए इकोनॉमिक्स का कैलकुलस कर रहा होगा, कंप्यूटर वाला कैलकुलस कर रहा होगा. आप बताइए इन दैट सेंस कैलकुलस जो है वो नॉन राइवल है, एक के यूज होने से दूसरे के लिए खत्म नहीं हो रहा और नॉन एक्सक्लूडेबल है. अब मैं आपको कह सकता हूँ ओए खबरदार तूने कैलकुलस यूज किया तो, अरे भाई तुम कौन होते हो, कोई भी यूज करे, यू कांट एक्सक्लूड एनीवन. सो द इकोनॉमिक्स ऑफ गुड्स डिपेंड्स ऑन देयर एट्रीब्यूट्स. गुड्स दैट आर एक्सक्लूडेबल अलाउ देयर प्रोड्यूसर्स टू कैप्चर द बेनिफिट दे प्रोड्यूस. गुड्स दैट आर नॉन एक्सक्लूडेबल इन्वॉल्व सब्सटेंशियल स्पिल ओवर ऑफ बेनिफिट्स दैट आर नॉट कैप्चर्ड बाय प्रोड्यूसर. सच स्पिल ओवर आर कॉल्ड एक्सटर्नैलिटीज. इस पर भी पूरा चैप्टर आएगा. आप कहोगे नहीं नहीं मुझे पता है एक्सटर्नैलिटीज. अच्छा क्या है सर? अगर पॉल्यूशन क्रिएट हो जाए तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, घर के पास फ्लाई ओवर बन गया, लोगों का डिस्टेंस बच रहा है, टाइम बच रहा है, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज. गुड बेटा ये तुमने स्कूल में किया था, गुड ग्रेट. ठीक है अभी डिटेल में तेरे को माइक्रो में सिखाएंगे, मगर एक प्रिंसिपल से ले जा, जब भी गुड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी दिखाएगा वो मार्केट में हमेशा अंडर प्रोड्यूस होगा, और जब भी गुड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी दिखाएगा तो वो ओवर प्रोड्यूस होगा. सर कैसे? वो मैं माइक्रो में सिखाऊंगा.
So the economics of goods depends on their attributes. Goods that are excludable allow their producers to capture the benefit they produce. Goods that are non-excludable involve substantial spillovers of benefit that are not captured by the producer. Such spillovers are called externalities. Goods with positive spillovers tend to be underproduced by markets, providing a classical opportunities for the government intervention. Goods with negative spillovers are overproduced by markets and government regulation may be required. For example, tragedy of commons. Goods that are rivalrous but must be produced each time they are sold, that are non-rivalrous need be produced only once, such as ideas which involve a fixed cost of production and zero MC. मैं इसका मतलब बताता हूँ. सपोज 5 साल से आप किसी पर्टिकुलर आइडिया में लगे हुए हो, 5 साल से. एक बारी अगर वो आइडिया डेवलप हो गया तो उस आइडिया डेवलपमेंट की कॉस्ट क्या है? सर मेरे 5 साल की सैलरी, उसके ऊपर मेरा प्रीमियम, ये सब कॉस्ट है. चलो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ना जाके हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में जाते हैं. एक्चुअली मैं कह सकता हूँ आपके 5 साल उसकी कॉस्ट है जो आपने 5 साल दिए उसको. हाँ सर, बिल्कुल सर. तो बेटा कोई भी आइडिया जनरेट करने के लिए फिक्स कॉस्ट लगती है शुरू में, राइट. लेकिन एक बार ये आइडिया डेवलप हो गया तो आइडिया डेवलप करने के लिए फर्दर कोई कॉस्ट नहीं है, फर्दर कोई टाइम अब आपको नहीं चाहिए. बिकॉज यू हैव स्पेंट दोज 5 ईयर्स, दैट्स योर फिक्स कॉस्ट इन ऑर्डर टू जनरेट दैट आइडिया. वंस दैट आइडिया इज देयर, वंस दैट आइडिया इज डेवलप्ड, नो प्रॉब्लम. उसके बाद आइडिया डेवलपमेंट में कोई कॉस्ट नहीं है आपकी, जीरो मार्जिनल कॉस्ट. So, for example, it costs a great deal to produce the first unit of the latest word processor, but subsequent units are produced simply by copying the software from the first unit. In the above example, the only reason for a non-zero MC is that the non-rival nature, the goods, the idea is embedded in rivalrous good such as CD. अब यहाँ पर मतलब समझना. सपोज वो जो हमने एग्जाम्पल लिया कि आपने कोई वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट बनाया, मेरा बच्चा आपका वो जो आइडिया है उसमें 5 साल लगे, वो फिक्स कॉस्ट है. उसके बाद आइडिया बनाने में कोई कॉस्ट नहीं है, जीरो एमसी. लेकिन जो तुम सीडी बनाओगे उसकी, तो वो सीडी की जो कॉस्ट है बस वो लगेगी. तो सीडी की कॉस्ट तो एमसी, एक एमसी रहेगी, मार्जिनल कॉस्ट रहेगी, दैट इज अ गुड. बट उस गुड में आइडिया एम्बेडेड है और वो आइडिया की जीरो मार्जिनल कॉस्ट है, उसकी एक फिक्स कॉस्ट है. और वो जो फिक्स कॉस्ट है वो सीडी की कॉस्ट में भी ऐड होगी ऑब्वियसली. अब कई बच्चे आते हैं कहते हैं सर, चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ समझना. मैंने ना 5 साल लगा के दिमाग एक केमिकल बनाया है. वो केमिकल ऐसा है कि आप अपने पेपर में अगर कुछ गलत हो तो उसको मिटा सकते हो, वो केमिकल का कुछ है ना स्प्रे करके. वो केमिकल की कॉस्ट सिर्फ 1 रुपये है, मैं उसके चार्ज कर रहा हूँ 500 रुपीज़. आप कहोगे सर चोर हो आप तो. मैंने कहा भाई क्यों ऐसे कह रहे हैं सर, 1 रुपये की चीज़ 500, सर ऊपर वाले से डरो, मूरी दिखाना क्या. मैंने कहा ऐसा है भाई, मैंने 5 साल लगाए हैं इस पर, वो फिक्स कॉस्ट नहीं होगी क्या मेरी, वो चार्ज नहीं करूँगा मैं, तो वो प्रीमियम मेरे को मिलना चाहिए. और ये जो एग्जांपल अभी आगे यूज़ भी करूँगा. तो कहने का मतलब ये है बेटा, देखो अब कॉस्ट पर आते हैं. आइडिया की कॉस्ट वो 5 साल है, मेरी बात को ध्यान से समझना. एग्जांपल मैंने जान के दिया, आगे लिंक करूँगा इसको. लेकिन वो जो आप केमिकल बना रहे हो उसकी तो 1 रुपये की मार्जिनल कॉस्ट है ना. सो ये वही कह रहा है, अब एग्जांपल द ओनली रीजन फॉर नॉन जीरो मार्जिनल कॉस्ट इज ऑफ आइडिया माइंडेड इज दैट नॉन राइवलरस गुड. The idea is embedded in a rivalrous good CD. CD की कॉस्ट है भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ. The economics of idea is related to the presence of increasing return to scale and imperfect competition. Returning to our example, the idea underlying the next generation of word processing unit like voice recognition requires a one-time research cost. Once the product is developed, each additional unit is produced with a constant return to scale. Doubling the number of CD, instruction manual and labor to put everything together will double production. In other words, this process can be viewed as production with a fixed cost and a constant MC. आप कहोगे ना जीरो MC थी पहले, जीरो MC आइडिया के लिए थी, constant MC जो है बेटे, constant MC जो है वो है मेरे बच्चों गुड के लिए. Following figure plots a production function y is a function of x which is equal to 100 star x minus f which shows a fixed cost f, constant MC. Think of y as copies of the next generation of word processing software with voice recognition and x is the amount of labor required to produce it. भाई हैंडराइटिंग इतनी खराब है कभी कभी खुद ही नहीं समझ आती. In this example, f units of labor are recognized to produce the first copy. So thus, f is the research cost, which is likely to be a large number. Suppose if x is measured as hours of labor input, we might assume that f may 10,000 hours lage. That is, it takes 10,000 hours to produce first copy. After that, additional copies can be produced very cheaply. For example, 1 hour of labor can produce 100 copies.
तो शुरू में जो वो आइडिया की कॉस्ट है वो 10,000 घंटा है, लेकिन उसके बाद जितनी भी आपकी कॉस्ट है एक एक कॉपी बनाने के लिए, दैट्स ओनली 1 आवर ऑफ लेबर एंड दैट टू प्रोड्यूसिंग 100 कॉपीज. So F units of output are required before any output can be produced. So 2F units of output will produce 100 into F, क्योंकि 100 units बना रहा है, तो IRS ऐसे भी शोर है. The increasing trend can also be seen कि आपका जो labor productivity है Y by X वो भी बढ़ते जा रहा है. तो दोनों तरीके से आपको शोर है कि increasing returns to scale है. बच्चा कहता है सर मज़ा नहीं आया, चल मज़ा भी कर देते हैं, दूसरे तरीके से भी सिखा देता हूँ. ये production function है, हाँ सर, अगर तू इसको भी input मान रहा है, मान रहा हूँ, तो तू बता आउटपुट डबल करने के लिए तेरे को सारे इनपुट डबल नहीं करने पड़ रहे, तेरे को सिर्फ ये डबल करना पड़ रहा है, ये डबल करना पड़ रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो एक बार ही आया. तो बेटा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब क्या है? बच्चे कहते हैं 10% इनपुट बढ़ाया 12% आउटपुट बढ़ गया, बिल्कुल. लेकिन IRS उसको भी तो कहेंगे कि आपने 10% आउटपुट बढ़ाया लेकिन 10% इनपुट नहीं बढ़ाया. आपने आउटपुट डबल करा, यस. 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यस. आपने तो 2 ही को डबल किया, सो ये भी तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, ये इसको ऐसे भी देख सकते हैं. द कॉमन क्वेश्चन अबव अबाउट सॉफ्टवेयर प्राइसिंग एंड अदर गुड्स लाइक बुक्स एंड फार्मास्यूटिकल इज दैट इफ द एमसी ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी स्मॉल, व्हाई इज इट दैट द प्रोडक्ट कॉस्ट सो मच. वही मेरा केमिकल वाला एग्जांपल, सर आपने ऊपर शक्ल नहीं दिखानी, क्या 1 रुपये की एमसी आप 500 रुपये चार्ज करो, सर शर्म करो. भाई शर्म क्यों करूं? टू एक्सप्लेन व्हाई फॉलोइंग फिगर शोज दैट द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट और मोर जनरली द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इंप्लाइज दैट सेटिंग प्राइस इक्वल टू एमसी विल रिजल्ट इन नेगेटिव प्रॉफिट्स. बताता हूं, आप बताओ ये आपकी फिक्स कॉस्ट थी, बढ़िया. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे, एसी कंप्राइजेज ऑफ एएफसी प्लस एवीसी, यस. डोंट यू थिंक एएफसी फॉल करता जाएगा आउटपुट जैसे जैसे बढ़ेगा, राइट? एसी भी तो गिरेगा, एमसी आपका कॉन्स्टेंट है. अब अगर आप परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन लो, परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन याद है, एम सी इज इक्वल टू ए सी. यहाँ पर एम सी इज इक्वल टू ए सी लोगे अगर, और उस पर आउटपुट बनाओगे, एम आर इज इक्वल टू एम सी पे बनाओगे, तो डोंट यू थिंक मेरा बच्चा, परफेक्ट कंपटीशन में ए आर एम आर आपको पता है हॉरिजॉन्टल है, तो एम सी एम आर यहीं हो जाएगा, आपका नेगेटिव प्रॉफिट हो जाएगा. तो कहते हैं ध्यान से देखिएगा, टू एक्सप्लेन वाई फॉलोइंग फिगर शोज द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट और मोर जनरली द प्रेजेंस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न इंप्लाइज दैट सेटिंग प्राइस इक्वल टू एमसी विल रिजल्ट इन नेगेटिव प्रॉफिट्स. द फिगर शोज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, द एमसी इज कॉन्स्टेंट बट द एसी इज डिक्लाइनिंग. द फर्स्ट यूनिट कॉस्ट एफ टू प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ फिक्स कॉस्ट ऑफ द आइडिया विच इज ऑल्सो द एवरेज कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट. एट हायर लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन दिस फिक्स कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर मोर एंड मोर यूनिट सो दैट द एसी डिक्लाइंस. With increasing return to scale, AC is always greater than MC and therefore MC pricing results in negative profit. अगर आप MR is equal to MC रखकर यहाँ पर अपना price रखोगे, या P, आप other words में कह लो P is equal to MC होता है perfect competition, तो अगर P MC रखोगे तो आपका price में आपकी average cost recover नहीं हो रही. तो आप बताओ मैंने 5 साल chemical के design पर इसलिए लगाए थे कि मुझे loss हो, मुझे negative profit हो, मैं 1 रुपये charge करूँगा उसके, मेरे 5 साल की जो मेहनत है, मेरे 5 साल की जो तनख्वाही गई है मेरी, मेरे 5 साल का जो पेन है, और उसके ऊपर जो मेरे को एक इंसेंटिव मिलना चाहिए, एक इतनी बढ़िया चीज़ मैंने डेवलप करी है, वो सब डेड कर दूँ क्या? इसलिए मेरा बच्चा आपको कहा गया नॉन रायबल है, हमने पहचाना इंक्रीजिंग रिटर्न, हमने पहचाना, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये काम नहीं कर सकता, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में काम करेगा, परफेक्ट में काम करेगा तो फिर लॉसेज हो जाएंगे. सो बेटा अब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. मेरे बच्चों पिछले 250 साल में 1750 ऑनवर्ड्स एक जो ओवरऑल वर्ल्ड है, एनवायरनमेंट बुरी तरह से डैमेज हुआ, लाइक ग्लोबल वार्मिंग हुआ, ओजोन डिप्लीजन हो रहा है, ओवरऑल सुनामीज आ रही हैं, और ये एनवायरनमेंट का कबाड़ा हो चुका है. लोग कहते हैं वी आर एट द थ्रेशहोल्ड ऑफ द क्राइसिस, मैं कहता हूँ वी आर नॉट एट द थ्रेशहोल्ड, वी आर इन द मिडल ऑफ द क्राइसिस. तो बच्चा कहता है इसमें इसका क्या लेना देना, मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको ऐसा लिंक दूंगा जो बुक में नहीं है, जो आपका रोमर नहीं दे पा रहा, मगर वो लिंक आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, तो इसको समझो, कल को इस पूरे टॉपिक पे आप PhD भी कर सकते हो फ्यूचर में. उसके लिए भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हम बैठे हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वेल इन्वेस्टर्स विल नॉट इनकर यू नो लार्ज कॉस्ट over time ya large one time cost unless they have some expectation of being able to capture some of the gains to society in the form of profit after they create the invention. Patents and copyrights are legal mechanism that grant inventors monopoly power for a time in order to allow them to reap the returns from their invention. Well, they are the attempts to use the legal system to influence the degree of exploitability of ideas. Without the patent or copyright, it may be quite easy for someone to reverse engineer
An invention and the competition from this imitation might eliminate the incentive for the inventor to create the idea in the first place. बेटा लास्ट 250 ईयर्स और सो ये जो पेटेंट्स कॉपीराइट है या आपको एक परमिशन दी गई आइडिया आप ही के पास रहे उसने बहुत सारे नए नए आइडियाज़ डेवलप करे. आप कहोगे तो अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या है. जैसे ही आइडियाज़ डेवलपमेंट शुरू हुआ तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया गया और इकोनॉमी या एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल तो हम चले गए पूरा वर्ल्ड वाइज कि बहुत प्रोडक्शन बढ़ाया, बहुत प्रोडक्शन किया, बट एनवायरनमेंट एट द सेम टाइम डैमेज हो गया. तो अब हम अपने पॉइंट पर वापस आते हैं. जो लास्ट 200 ईयर्स और 250 ईयर्स में हमारी इतनी तरक्की हुई है वर्ल्ड वाइड, वो इसलिए हुई है बेटा क्योंकि उससे पहले लोग आइडियाज़ डेवलप ही नहीं करते थे. क्यों नहीं करते थे? आइडिया डेवलप करते थे, लोग कॉपी कर लेते थे, तो लोग कहते थे हम क्यों करें. लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि पेटेंट्स होंगे, कॉपीराइट्स होंगे, आपका कोई आइडिया कॉपी नहीं करेगा, तो लोग एनकरेज हुए और फिर उन्होंने आइडियाज़ डेवलप करना शुरू करे. और आइडिया डेवलपमेंट की वजह से ही मेरा बेटा इतना ज़्यादा एकदम 200-250 साल में इतनी तरक्की कर गया आपका पूरा वर्ल्ड. आजकल के सिनेरियो में जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं या जो पीएचडी कर रहे हैं तो आपको पता ही है गवर्नमेंट्स उनको पैसे देती है जस्ट टू बी इंडल्ज्ड इन यू नो क्रिएटिंग आइडियाज बिकॉज वी नो हाउ इंपॉर्टेंट आइडियाज कैन बी. लेकिन एट द सेम टाइम लास्ट 200 ईयर्स, लास्ट 250 ईयर्स क्यों एनवायरनमेंट एकदम सडनली इतना डैमेज किया और प्रॉब्लम्स भी मैंने आपको बताई. मेनली ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बहुत सारे आपने पेटेंट राइट्स, कॉपी राइट्स दिए और एज अ रिजल्ट बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप हुए. दोज आइडिया डेवलपमेंट एज एक्चुअली रिजल्टेड इनटू मैसिव प्रोडक्शन. ठीक है, अभी हम आगे आपके साथ कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे जो मेरी बात को और ज़्यादा प्रूव करेगा. सो गाइस, अब आगे जो है ना, मैं आपको एक फोटोग्राफ्स आपके साथ कुछ शेयर करूँगा जो एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर. तो आइए मैं आपको पहले बता दूं कि आपको उस पर क्या पढ़ने को मिलेगा. देखो बेटा, मेन मुद्दे की बातें हैं दो. वो क्या हैं? वेल, व्हाट डिटरमिन्स द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड ऑफ प्योर साइंटिफिक नॉलेज. देखो, टेक्नोलॉजिकल चेंज के केस में ना तो सोशल रेट ऑफ रिटर्न वो मैटर करता है. लेकिन मेरा बच्चा, जब तक प्राइवेट रेट ऑफ रिटर्न ना मिले तब तक हम नहीं मान सकते कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होगी टेक्निक्स में. अब आप कहोगे सर मजा नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया. मैं बताता हूँ. देखिए, सरकार, गवर्नमेंट ये अपने हिसाब से कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें तो वो एक अलग बात है. लेकिन ओवरऑल अगर आपको चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए तो प्राइवेट रिटर्न्स देने पड़ेंगे. अब आपने पीछे एग्जांपल में देखा कि प्राइवेट रिटर्न्स के लिए ही, ज़्यादा रिटर्न्स के लिए ही इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का हमने एक एग्जाम्पल लिया कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में सस्टेन नहीं कर पाएंगे वो. अब मेरे बच्चों, 1750 ऑनवर्ड्स ऐसा क्या हुआ कि 250 सालों में इतनी ज़्यादा तरक्की हुई? तो हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल कोट करेंगे जिसकी फ़ोटोज़ मैं अभी आपके साथ इसमें वीडियो में दे दूँगा. वो था मेरा बच्चा, एक फैसिनेटिंग एग्जांपल है ये नेविगेशन का. तो पहले क्या होता था, जो ओशन शिपिंग होती थी, इंटरनेशनल ट्रेड होता था या वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन होता था, उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाती थी बेटा? लैटिट्यूड तो पता लग जाता था, पर ना जो प्रॉब्लम आती थी जो उसका लॉन्गिट्यूड होता था सी में, उसका लोकेशन जिसको कहते हैं ईस्ट वेस्ट डायमेंशन, वो पता नहीं लग पाता था या गड़बड़ हो जाता था. लाइक व्हेन कोलंबस लैंडेड इन द अमेरिका, ही थॉट ही हैड डिस्कवर्ड अ न्यू रूट टू इंडिया बिकॉज ही हैड नो आइडिया ऑफ हिज लॉन्गिट्यूड. तो मेरा बेटा हुआ क्या था, तो राजाओं को लगा कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है. तो पता है कैसे इसका निराकरण हुआ था, कैसे ये प्रॉब्लम दूर हुई थी? मिड 1700 के अंदर जो ब्रिटेन था, स्पेन था, हॉलैंड था, इनके जो रूलर्स थे, इन्होंने ना एक ह्यूज मॉनेटरी प्राइस ऑफर कर दिया. कहते हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ना उसको सोने चांदी में लाद देंगे हम. तो अब बहुत लोगों ने ट्राई करा, बड़े लोगों ने ट्राई करा. क्या लालच था कि यार अगर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो कितना पैसा मिलेगा? आपको पता है प्रॉब्लम किसने सॉल्व करी? एक पुअरली एजुकेटेड लेकिन एमिनेंटली स्किल्ड क्लॉक मेकर जिसका नाम था जॉन हैरिसन, उसने ये प्रॉब्लम दूर कर दी है. आप कहोगे इस एग्जांपल से आप कहना क्या चाहते हो? मेरा बेटा, इस एग्जांपल से ये कहना चाहता हूँ, जब तक इंसेंटिव नहीं दोगे ना हायर प्रॉफिट्स के, तब तक नए आइडियाज़ आएंगे नहीं. तो 1750 ऑनवर्ड्स मेनली ऐसे इंसेंटिव आने शुरू हुए जो मैंने भी एग्जांपल दिया, और फिर कॉपीराइट पेटेंट्स का आना शुरू हो गया जिसकी वजह से भी आपको देखने में मिले कि एकदम से इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एकदम से इतने न्यू आइडियाज़, और एकदम से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और एकदम से इतना प्रोडक्शन बढ़ गया.
सो आइडियाज़ के बारे में ये पूरी थ्योरी है मेरा बच्चा। आइडियाज़ एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पीएचडी स्कॉलर्स को कितना पैसा देती है महीने का, जस्ट बिकॉज दे नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडियाज़। सो गाइज, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। बाकी आप लाइव क्लास में मेरे साथ आपके जो भी डाउट्स हैं कहीं से भी वो पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू।